तो फ्रेंड्स अब हमने गैप के बारे में पढ़ लिया, अब आईएफआरएस के बारे में हम पढ़ेंगे। गैप का मेन क्या था कि इंडिया में जो पब्लिक कंपनी है वो सारी कंपनी एक जैसे ही नियमों को पालन करे, एक जैसे तरीके से ही अपने अकाउंट्स को लिखे, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन को लिखे, डिस्क्लोज करे, उसकी समरी बनाए। और गैप जो है उसका बेसिस क्या है कि जो गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड कंपनी है वहां पर जो प्रोनाउंसमेंट है, डिक्लेरेशन दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको करना है। अब लेकिन जब इंडियन कंपनी के किसी डिटेल को आप किसी फॉरेन कंपनी से मिला रहे हो तो वहां पर भी तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए। सिंपल बात है, आप साइंस पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम रखने के लिए है ना एक बॉडी बना हुआ, या यूनिट लेते हो तो उसके लिए आप बोलते हो ना कि भाई इसका SI यूनिट क्या है। लंबाई ही पढ़ रहे हैं तो लंबाई कोई बोलेगा फुट में, कोई बोलेगा मीटर में, है ना, कोई बोलेगा गज में, कोई बोलेगा यार्ड में। लेकिन जब हम फिजिक्स के बुक में पढ़ रहे होते हैं तो सारा जो चीज है, लंबाई है तो मीटर में होगा, टाइम है तो सेकंड में होगा, मास है तो केजी में होगा। यह हमने क्या कर रखा है, एक होमोजीनियस बना रखा है नियम, एस्पेक्ट बना रखा है। तो जो इंडियन चीज है उसको फॉरेन कंट्रीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं और उसमें जो है होमोजीनिटी आए, इसके लिए ये IFRS को यूज करते हैं। IFRS है क्या? IFRS इज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसको डेवलप किसने किया है? IASB ने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, द स्टैंडर्ड्स इश्यूड बाय IASB आर बेस्ड ऑन साउंड एंड क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल। बहुत अच्छे से नियम बनाए गए हैं और उसके बिहाफ पे ही इनकी बेसिस है। देयरफॉर IFRS आर रेफर्ड टू एज प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। This contrasts with set of standards like Indian accounting standards, which contain significantly more application guidelines. These standards are often referred to as rule-based accounting standards. और उसमें कुछ एक assumption है, accrual वाला, going concern, measuring unit, और constant purchasing power assumption. ये सब आपने पढ़ रखा है। IFRS में क्या है? इसके तहत हम लोग पांच चीजों को दिखाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन दिखाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दिखाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो दिखाते हैं। कैश फ्लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में आता है। नोट्स 2 सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज दिखाते हैं। और इस तरीके से मिल करके ये सारा बनता है आपका IFRS। दैट्स इट। और अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में IASB के बारे में बात करेंगे।